के स्वास्थ्य का कर ध्यान चला 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 हाँ चला चला स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दूरदर्शन पर ये वक्त स्वच्छ भारत का है। अस्वच्छता हमारे माहौल के लिए जितनी खराब है, हमारे मनस के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। जी हाँ, गंदगी सोच की हो या आसपास की, दोनों ही हमारे बेहतर भविष्य को खतरा दे सकती हैं। इसीलिए स्वच्छ भारत में हम कोशिश यही करते हैं कि भारत में स्वच्छता के महत्व को पहुँचाया जा सके। जन जन तक इस संदेश को पहुँचाने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं। आज हमारे साथ सुलभ इंटरनेशनल के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। जी हाँ, सुलभ इंटरनेशनल, ये नाम आपने कई जगह पढ़ा होगा। पब्लिक कन्वीनियंस पर लिखा रहता है, जन सुविधाएं जहाँ बनी हुई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बहुत ही विशाल नेटवर्क की तरह ये काम कर रहा है। बहुत सारे विंग्स हैं सुलभ इंटरनेशनल के, जो स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय के तहत भी काम करते हैं, हाइजीन पर काम करते हैं, सैनिटेशन पर काम करते हैं। और क्या क्या कर रहा है सुलभ इंटरनेशनल, आइए आपकी पहचान कराते हैं उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव से। हमारे साथ हैं रूपक रॉय चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रूपक जी के साथ ही एक बहुत प्यारी सी बच्ची हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद है, वैष्णवी। बहुत बहुत स्वागत है वैष्णवी आपका। धन्यवाद। रूपक जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, ये कौन सी मुहिम है सुलभ इंटरनेशनल की? स्वच्छ पानी, उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर स्वच्छता हर बच्चों का अधिकार है। इसी को देखते हुए हमारे संस्थापक महोदय डॉक्टर शिवेंद्र पाठक ने ये सोचा है कि इस प्रोग्राम को आगे लेते हुए हर स्कूल में एक स्वच्छता क्लब बननी चाहिए, ताकि ये लोग जो तीन मुद्दे पे हमने बात किया, अच्छा पानी, साफ पानी, उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर स्वच्छता, इन तीनों पे प्राथमिकता दिया जाए और बच्चों इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भाग ले और अपने स्कूल के भी, अपने विद्यालय में जो शौचालय है उसका खुद वो निगरानी रखें जी। तो इसीलिए स्वच्छता क्लब्स बनाए गए और सुलभ इंटरनेशनल इसको 174 जगह में काम कर रहे हैं हम लोग। मैं स्वच्छता क्लब के बारे में तो ज़रूर पूछूंगी, लेकिन आपने स्वच्छता दूत भी बना दिए हैं जी, वो क्या है? स्वच्छता दूत यह है कि बच्चे अपने आप में एक संगोष्ठी बनाते हैं और खुद शौचालय का देख रेख करते हैं, निगरानी करते हैं, शौचालय साफ करते हैं और आने वाले दिनों में स्कूल के ज़रिए कम्युनिटी तक, समुदाय तक कैसे पहुंचाया जा सकते हैं स्वच्छता की संदेश, इसके बारे में वो विचार विमर्श करते हैं और अपने आप को नियोजित करते हैं इस काम में। तो वैष्णवी इज वन ऑफ दी स्वच्छता दूत। वैष्णवी तिवारी ऐसा एक स्वच्छता दूत है जो इस काम को आगे ले जा रही है। तो स्वच्छता दूत हमारे साथ है। वैष्णवी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? इलेवेंथ में। क्या काम कर रहे हैं आप, किस तरह आप अपनी दूध की भूमिका निभा रहे हैं? बस फाउंडर सर का जो आइडिया है कि हर बच्चे को साफ पानी मिले, पढ़ाई के लिए साफ परिवेश मिले, इसी पे जो ज़मीनी स्तर पे ये काम आगे बढ़ रहे हैं वो हम बच्चे हैं, हमारी टीम है, जो जैसा कि सर ने बताया निरीक्षण करते हैं, टॉयलेट साफ है या नहीं, हम साफ है या नहीं, नेल्स कटे हुए हैं या नहीं, हैंड वॉशिंग किया या नहीं, इन सब पे जो निगरानी रखते हैं, जो जागरूकता फैलाते हैं, जो जन जन तक ये मैसेज पहुंचाते हैं, वो हम बच्चे हैं। सो वी आर द सोल्जर्स हु एक्चुअली डू इट, सोल्जर्स ऑफ सैनिटेशन, स्वच्छता दूत। तो स्कूल के प्रेमिसेस में ये सोल्जर जब काम करता है जी, कैसे अवेयर करता है बाकी बच्चों को और बच्चे सुनते हैं आपको? एक्चुअली मैं यही चीज़ बताना चाहती हूँ, जब यही सेम चीज़ मेरी टीचर्स मुझे बताती हैं कि सी आपको अपने हाथ धोने हैं, आपको टॉयलेट के बाद हैंड वॉशिंग करना है, तब शायद एज अ स्टूडेंट कहीं ना कहीं वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। बट जब कोई मेरा फ्रेंड आके किसी ने मुझे सिखाया यार ऐसे करना है, ऐसे करने से ऐसा अगर तुम हाथ धोगे इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, तब मुझे समझ में आया अच्छा जब ये कर रहा है इसको फ़ायदा हुआ, सो दैट इज़ मोर बेनिफिटिंग। सो दैट इज़ हाउ वी रियलाइज कि जब एक बच्चा दूसरे बच्चों को कुछ सिखाता है या समझाता है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़ इम्पैक्टफुल, वो पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। और ये सोल्जर सिर्फ स्कूल प्रेमिसेस में नहीं बल्कि आसपास की कम्युनिटी, अपने घर में पेरेंट्स, पेरेंट्स के आगे सोसाइटी, सो इट्स वेरी सिंपल, एक बच्चे को टारगेट करके हम पूरी सोसाइटी तक पहुंच रहे हैं। बहुत खूब, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सुलभ इंटरनेशनल का, बाल स्वच्छता दूत का। हम स्कूल की बात करते हैं, पहले तक स्कूल प्रेमिसेस केवल शिक्षा का माध्यम समझा जाता था, लेकिन ये शिक्षा केवल किताबी नहीं है, जीवन की भी है। किस तरह से ये बाल स्वच्छता दूत काम करते हैं और किस तरह से विद्यालय की स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, आइए नज़र डालते हैं। Today, about 6,500 school students from different parts of India are part of this club.
अभी हम कुछ देर एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हर लड़की के जीवन में आता है और हर लड़की को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम बात करेंगे अबाउट मेंस्ट्रुएशन, यानी कि महावारी, यानी कि इन जनरल वर्ड्स हम बोलते हैं पीरियड्स। जब से सुलभ स्कूल सैनिटेशन क्लब हमारे स्कूल में आया है, हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जिससे पहले हमें बहुत सी प्रॉब्लम इन द डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि हम किसी से बातचीत नहीं कर पाते थे खुल के, अपनी टीचर से, फ्रेंड से, घर पे, कहीं पर भी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन कम्फर्टेबली टॉक टू एवरीवन अबाउट आवर प्रॉब्लम्स एंड डिस्कस इट, एंड वी आर हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब बात करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। जब पहले हमारे स्कूल में सैनिटेशन क्लब वालों ने एक वेंडिंग मशीन और एक डिस्ट्रॉयर लगाया है जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे कि पहले हम मेंस्ट्रुएशन के दिनों में छुट्टी कर लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम स्कूल आ सकते हैं और जब चाहे सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर सकते हैं और ईजीली उसे डिस्पोज कर सकते हैं थ्रू एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैथड। सुलभ स्कूल सैनिटेशन क्लब में हम यहाँ सैनिटरी नैपकिन बनाते भी हैं और कैसे बनाते हैं ये भी सिखाते हैं। इसे हम अलग अलग जगह पर प्रोवाइड भी करते हैं, स्कूल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में एंड स्लम्स में। स्लम्स में हम इन सैनिटरी नैपकिन्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वहाँ की गर्ल्स होती हैं वो मार्केट की नैपकिन को खरीद नहीं पाती, क्योंकि उनका रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो हम उन्हें नैपकिन देते हैं उसका रेट बहुत चीप होता है और वो कम्फर्टेबल होती है। सैनिटेशन क्लब एक ग्रुप ऑफ मेम्बर है जो अलग अलग स्कूलों से और अलग अलग बच्चे आते हैं जो सैनिटेशन एंड हाइजीन के ऊपर सब लोगों को अवेयर करते हैं। ये चाइल्ड टू चाइल्ड प्रमोट होता है ताकि पूरी इंडिया को पता चले और बाहर के कंट्रीज़ को भी पता चले कि सैनिटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। हम सैनिटेशन क्लब इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि इसमें कई तरह के कई स्कूलों के बच्चे आते हैं और यहाँ पर सब मिलजुल करके काम करते हैं, और ये इस सैनिटेशन क्लब से हमें कई सारी चीज़ें नई सीखने के लिए मिलती हैं। We were really impressed with the workings of Sulabh, especially Dr. Bindeshwar Pathak was really a source of inspiration for all of us. So we contacted them and we came to know that they have a sanitation club where our children can also contribute to their bit. So in that way we plan to start to have a sanitation club in our school. आप समस्या भी बताते हैं, उस पर रोशनी डालते हैं, उसके समाधान की भी बात करते हैं, लेकिन भारत में अभी भी बहुत सी जगह ऐसी है जहां लड़कियों के स्कूल आने में भी बहुत दूरी है, वो फासला तय करना भी है। ऐसे में मानसिकता बदलना ये किस तरह से किया जाता है? मानसिकता बदलने के लिए जैसे मैंने कहा कि हमारे जो बाल स्वच्छता दूत है ये बहुत जितने भी राज्य में हैं जहाँ पर हमारे स्वच्छता क्लब्स है या जहाँ से हम के सरकार के तरफ से हमें इनविटेशन आता है कि इस तरह के कार्यक्रम किया जाए, हम लोग स्वच्छता दूत को हर गांव में, जितने भी गांव में हम काम करते हैं गांव में और या स्कूल्स में, हम ये स्वच्छता दूत जाके वहाँ पे स्पेशल सेशंस लेते हैं, क्लासेस लेते हैं। तो इसी के चलते हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मासिक धर्म के बारे में दूसरे स्कूल्स में अवेयर करा रहे हैं। वैष्णवी, कुछ बताओ, क्या आप कैसे समझाते हो अपनी क्लास के बच्चों को या जो छोटी लड़कियां जो आती हैं, किस तरह से समझाते हैं उन्हें आप? सर्वप्रथम तो मैं भारत सरकार दूरदर्शन को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक धर्म जैसे इतने संवेदनशील विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं तो मुझे हैरानी होगी, मुझे लग भी रहा है कि टीवी स्क्रीन्स पर जो लोग हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, मासिक धर्म, बिकॉज हमने जितने स्टेट्स में वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं वहाँ भी यही रिएक्शन था। और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स या आंकड़े नहीं बताऊंगी, बल्कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हमने स्टेट्स में जाके देखा है, वो हर स्टेट की अपनी एक पुरानी कथाएं हैं, कुछ हुआ था, शाप लग गया, इससे शुरू हुआ। सो द थिंग इज कि भले स्टेट्स में टेल्स और टैबूज कॉमन हो, अलग अलग हो, बट एक चीज़ सब चीज़ में, एक चीज़ जो हर स्टेट में कॉमन है कि दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ नेचुरल डिजीज़ और कुछ सुपर नेचुरल फिनोमिना है, जबकि दिस इज़ जस्ट अ नेचुरल फिनोमिना। सो इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, और जैसे जैसे स्टूडेंट्स इस बारे में बात करते हैं, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस, बहुत सफल होता है ये कार्यक्रम। और
नेपाल जैसे सिक्किम, नेपाल जैसे देशों में, सिक्किम जैसे राज्यों में और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे स्टूडेंट इंटरवेंशन, जब बच्चों ने इस बारे में बात करना शुरू की सो दे आर सेलिब्रेटिंग इट. शी डे, मेंस्ट्रुअल क्वीन, ऐसे टाइटल्स मिलते हैं. सो द आइडिया इज़ कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें ये टैबू टैबू लगे ही ना. लेट्स मेक इट अ कॉमन फिनोमिनन. जैसे मुझे कोई बीमारी होती है तो मैं उसे खुला बता देती हूँ किसी को, हाँ मुझे बीमारी है. वैसे मेंस्ट्रुएशन बीमारी नहीं है बट वी ट्रीट इट लाइक दैट. सो वाई कैन बी सो फ्री, इतना फ्री क्यों नहीं हो सकते जब ये एक नेचुरल फिनोमिना है. तो बच्चों के पार्टिसिपेशन के बाद जब स्टूडेंट्स ने, लड़कियों ने इस पर इनिशिएटिव लिया तब इस बारे में बहुत बातचीत हुई. आज भी बहुत कुछ करना बाकी है बट अब हमारे अंदर एक सकारात्मक भाव है कि अब हम यहाँ से यहाँ आ चुके हैं, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम नहीं लगेगा. रूपक राय जी, एक जो हम इसे कहें व्यावहारिक समस्या आती है, आपने एक बार अवेयरनेस फैला दिया, टॉयलेट का निर्माण कर दिया गया, शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में बना दिए गए, लेकिन आने वाले समय में जो एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है उनके मेंटेनेंस की जी, उनके प्रबंध की, तो उसके लिए आप कितना तैयार कर रहे हैं वहाँ के निवासियों को? मेंटेनेंस के लिए मैं तो हमेशा कहता हूँ, जैसे हमारे संस्थापक महोदय ने कहा है कि किसी एक वर्ग को अगर हम चुने कि वही वर्ग शौचालय की साफ करें तो ये तो गलत है हमारे देश के लिए, कि हम चाहते हैं कि हमेशा एक वर्ग ही इस काम में नियोजित हो, बाकी हम कोई इस काम को ना पकड़े. तो हमारे सैनिटेशन क्लब में ये एक है, मेंबरशिप का एक क्राइटेरिया रख दिया है हमने कि हमारे क्लब में मेंबरशिप वही होंगे जो शौचालय खुद साफ करेंगे. तो इसलिए ये इस तरह की भावना जो है बच्चों में डाल रहे हैं कि देखो भाई, अपना शौचालय का जो निगरानी है या साफ़ सुथरा कैसे रखना हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. तो इसलिए सैनिटेशन क्लब के जितने भी मेंबर्स होते हैं स्वच्छता क्लब्स में, ये रोटेशन बेसिस में टॉयलेट को साफ़ करते हैं. जैसे हमारे स्कूल्स है सुलभ पब्लिक स्कूल, उसमें कोई स्वीपर नहीं होता है साफ़ करने के लिए, ये रोटेशन बेसिस में हम लोग सब साथ मिलके साफ़ करते हैं. तो इस तरह की भावना अगर रहेंगे तभी हमारे शौचालय साफ़ रहेंगे, वरना शौचालय तो हम बना ही रहे हैं जी, लेकिन उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर गौर करना है. और जिस तरह बात की जा रही है, शुरुआत अगर की जाती है तो उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है. स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत के कई हिस्सों में इस तरह के ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो स्वच्छता की मंजिल को हमारे नज़दीक ला रहे हैं. अब हम आपको भारत के उत्तर पूर्वी इलाके की तरफ लिए चलते हैं. सिक्किम एक ऐसी जगह है जहाँ की जनता को अवेयर किया गया, प्रशासन ने पूरी तरह से साथ दिया और फिर ये खूबसूरत जगह न केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आई. सिक्किम प्रकृति की गोद में बसा उत्तर पूर्व का एक ऐसा राज्य जिसका अपना आकर्षण है. हरे भरे वातावरण की मोहकता कुछ ऐसी है कि हर कोई यहाँ खींचा चला आता है. पहाड़ जहाँ एक ओर रोमांचित करने का काम करते हैं, वहीं इसके आसपास बने घरों में रहने की तमन्ना हम सबकी होती है. यहाँ के रोजमर्रा के जीवन में भी एक खास तरह का रिदम है. जिंदगी यहाँ भरे पूरे स्वरूप में आनंद का परिचायक बन गई है. परंपरा की मिठास को यहाँ आसानी से महसूस किया जा सकता है. पूरा पूर्वोत्तर सांस्कृतिक विविधता के लिए लोकप्रिय है. सिक्किम की संस्कृति भी अनुपम है. बात अगर स्वच्छता की करें तो इस राज्य ने पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त होने का गौरव हासिल कर लिया है. इस उपलब्धि में स्वच्छ भारत अभियान का योगदान बेहद अहम रहा. सही मायनों में देखें तो स्वच्छता मिशन के सहारे ही यहाँ के लोग साफ सफाई के प्रति जागरूक हुए. लोगों को साफ सफाई की अहमियत बताई गई, उन्हें समझाया गया कि स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने से ही समृद्धि संभव है. सिक्किम के कई विद्यालयों ने स्वच्छ भारत अभियान में सार्थक भागीदारी निभाई है. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ताशी डिंग ने तो कई मायनों में अनूठी मिसाल पेश की है. यहाँ अध्यापकों के मार्गदर्शन में
छात्रों ने कचरे का अनुपम उपयोग कर संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। यहाँ बेकार पड़े प्लास्टिक के बोतलों का प्रयोग इस छोटे से जलाशय को सजाने के लिए किया गया है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि किसी कुशल आर्किटेक्चर ने इसे डिजाइन किया है, लेकिन ये कमाल तो छात्रों ने अपनी रचनात्मक सोच के सहारे कर दिखाया है। यहाँ स्वागत द्वार से लेकर पेड़ों को डेकोरेट करने में कचरे का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ जगह जगह कूड़ेदान भी देखने को मिले। शुरू से ही बच्चे इस बात को समझ गए हैं कि कचरे की असली जगह कूड़ेदान में ही है। पश्चिमी सिक्किम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिंगचोंग ने भी अपनी कोशिशों से वातावरण को साफ सुथरा बनाने में सार्थक योगदान दिया है। यहाँ कचरे से कई उपयोगी चीजों का निर्माण किया गया है जो अपने आप में किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं है। खास बात यह है कि शिक्षकों की देखरेख में कचरे को कमाई का जरिया बनाने का काम छात्रों ने ही कर दिखाया है। स्वच्छता के प्रति छात्रों का ये समर्पण ही है कि इन्होंने सजावटी से लेकर घरेलू उपयोग की कई चीजों का निर्माण किया है। विद्यालय में होने वाली इस तरह की गतिविधियों से न सिर्फ छात्रों की प्रतिभा को तराशा जा रहा है, साथ ही उन्हें स्वच्छता दूत के तौर पर भी तैयार किया जा रहा है। सिक्किम के कई इलाकों में खास तरह की पहल भी देखने को मिली। तोशीडिंग में टैक्सी चालकों ने इलाके को साफ बनाने के लिए सामूहिक स्वच्छता की पहल की है। ये सब मिलकर सड़कों, गलियों और आसपास के स्थानों की सफाई करते हैं। कई स्थानों पर एक साथ कई डस्टबिन भी लगाए गए हैं। कूड़ेदानों का प्रयोग कचरे को अलग अलग करने के लिए किया जा रहा है। यहां से कचरे को बेहतर ढंग से निस्तारित करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर ले जाया जाता है। कुछ व्यक्तिगत कोशिशों ने भी स्वच्छता की दिशा में राज्य को अलग पहचान दिलाई है। अब जैसे इन्हें ही ले लीजिए, इन्होंने महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए सैनिटरी नैपकिन बनाने का काम शुरू किया। नैपकिन बनाने में पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए नैपकिन के इस्तेमाल के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। पेलिंग इलाके की स्वच्छता कायम रखने में गार्बेज व्हीकल की व्यवस्था की गई है। अलग अलग स्थानों पर जमा हुए कचरे को ये गाड़ियां वहां से कचरा निस्तारण केंद्र ले जाती हैं, जहां उसे रिसाइकिल किया जाता है। जिला प्रशासन के सहयोग से शौचालयों का निर्माण भी सभी घरों में हो गया है। कंचनजंगा नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश के टूरिस्ट यहां ट्रैकिंग के लिए आते हैं। अधिक संख्या में पर्यटकों के आने से गंदगी की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में यहां एक स्वच्छता समिति गठित की गई है जो ट्रैकिंग के लिए आने वाले लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ साथ ट्रैकिंग रूट की सफाई का खास ध्यान भी रखते हैं। यहां जगह जगह कूड़ेदान लगाए गए हैं। ऐसे में ज्यादातर कचरा कूड़ेदान में ही जाता है। कचरे को सेग्रीगेट करने के बाद इसे रिसाइकिल करने का काम रिकॉर्ड रिकवरी सेंटर यूनिट ऑफ कंचनजंगा कंजर्वेशन कमेटी करती है। इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कचरे का इस्तेमाल कर कई उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जा रही हैं। पर्यटकों को सैर कराने वाले गाइड भी स्वच्छता वाहक की भूमिका निभा रहे हैं। वो हर पर्यटक को साफ सुथरा माहौल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि स्वच्छता से ही समृद्धि संभव है। यहाँ मंदिरों का भी अपना आकर्षण है। किराकेश्वर मंदिर एक ओर जहाँ लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, वहीं स्वच्छता का संदेश भी दे रहा है। यहाँ मंदिर परिसर में
स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। जगह जगह कूड़ेदान तो है ही, साथ ही लोगों से गंदगी नहीं फैलाने के लिए स्वयं सेवक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी समय समय पर करते रहते हैं। सिक्किम की प्रगति देश के दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा की तरह है। उम्मीद है कि यहाँ की गतिविधियों से प्रभावित होकर दूसरे राज्य भी एक कदम स्वच्छता की ओर जरूर बढ़ाएंगे। वैष्णवी, आपने भी देखा कि सिक्किम में स्कूल्स में काम चल रहा है, जी, तो दिल्ली से निकलकर आप जब ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में गई तो क्या आपको लगा कि यहाँ वो बात नहीं है जो शहरों के स्कूल में है, और मुझे किस तरह से इन बच्चों तक अपनी बात पहुँचानी है? मेरा तो ये मत है कि जितना पार्टिसिपेशन हमें अर्बन क्षेत्रों में मिलता है उससे कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में मिलता है। वहाँ की स्टूडेंट्स, वहाँ के मेरे दोस्तों के लिए बिल्कुल नया है ऐसा टॉपिक। अर्बन में तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत बात हो जाती है, बट वॉट अबाउट रूरल? वहाँ तो शायद इस बारे में बात करना ही एक बड़ा टैबू है। तो उनके लिए बिल्कुल नया है कि पहली बार कोई आया इतने संवेदनशील टॉपिक पे बात कर रहा है, प्लस एक स्टूडेंट, उनकी खुद की दोस्त आई उनसे बात करने के लिए। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ देम, और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय सिक्किमीज फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज उन्होंने इतना पार्टिसिपेशन दिया। उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कोई बाहर से कोई आया बोला, बल्कि दे पार्टिसिपेटेड वेरी एंथुजियास्टिक, बड़े उत्साह एनर्जी के साथ। काफ़ी फाइंडिंग्स भी थी हमारी, बहुत सारी लूप होल्स थे, अवेयरनेस नहीं थी, इवन नॉट इन द स्टूडेंट्स और कहीं कहीं टीचर्स में भी। सो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस सबके साथ मिल बांट के इस मुहिम को आगे बढ़ाना, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उन सब मेरे सभी दोस्तों को जिन्होंने इसमें बहुत उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी निश्चित की। लेकिन अगर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, कुछ मूलभूत ज़रूरतें जो हैं स्वच्छता फैलाने में, उसमें सबसे पहला कदम है हैंड वॉशिंग। जी, आप हाथ को साफ ज़रूर रखें। ऐसे में स्कूल के बच्चों को ये बताना कि खाना खाने से पहले हाथ धोना है, अगर आप शौचालय का प्रयोग करके आए हैं तो आपने हाथ धोना है, तो आप सेहत को लेकर भी, कुछ बीमारियों को लेकर भी उनसे बात करते हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारे जितने भी वर्कशॉप्स हैं उसमें अलग अलग सेशंस हैं। फर्स्ट इज़ वार्म अप सेशंस, दोस्ती बढ़ाना, मेल जोल। अच्छा। सेकेंड, ताकि बच्चे हमारे साथ घुल मिल जाएँ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ घुल मिल जाएँ। सेकेंड इज़ हैंड वॉशिंग। थर्ड इज़ वेस्ट मैनेजमेंट, जो बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। सो अब ऑब्वियसली हम स्टूडेंट्स को जब बात करें, यंग स्टूडेंट्स, हमारे जैसे दोस्त, अब हम उन्हें कोई किताबी भाषा में बताएं कि हैंड वॉशिंग ऐसे होती है, इसकी ये उपाय है और ये फ़ायदे हैं, तो आई डोंट थिंक वो उतना सक्सेसफुल होगा, इम्पैक्टफुल होगा। इसलिए हम गाने के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, स्किट्स के थ्रू, इन सब चीज़ों, इन सभी माध्यम से जो एंटरटेनिंग माध्यम है, विजुअल्स के थ्रू बच्चों को टारगेट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को टारगेट करते हैं, और इन्हीं एक्टिविटीज़ के जरिए खेल खेल में हमें बहुत उत्साह के साथ उनका पार्टिसिपेशन मिलता है, और ऐसे ही खेल खेल में मैसेज हैंड वॉशिंग का पहुंच जाता है। बिल्कुल, ये संदेश रूपक रॉय जी पहुंचाया जा रहा है। आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव आगे बना दिए, बाल स्वच्छता दूत जो हैं जगह जगह जा रहे हैं। आप भी भारत के कई कोनों में गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं, शहरों में गए हैं। आज अगर आपसे ये पूछें कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भारत किस जगह खड़ा है तो क्या कहेंगे? भारत अच्छी जगह पे खड़े हैं, और नीयत की कमी है। अगर हम लोग चाहेंगे तो ज़रूर स्वच्छ भारत बहुत आगे तक बढ़ जाएगा, और हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है कि हम 2019 तक कुछ ऐसे स्थिति में पहुँचे ताकि हम अपने आप को गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने अच्छा काम किया है। हम यही कामना करते हैं कि ये जो सूरज अब चढ़ा है इसकी रोशनी पूरा भारत देखे, स्वच्छ भारत मिशन कामयाब हो। और आपको भी शुभकामनाएं हैं वैष्णवी, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है बखूबी आप उसे निभाएं। जी, और रूपक रॉय जी, आप भी अपने मिशन में कामयाब हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद। इस रोशनी को जन जन तक फैलाना है, यही कामना, यही कोशिश स्वच्छ भारत की भी है, और इसी कामना के साथ फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमें कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेस 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sp@dkdaily.org.in। स्वच्छ भारत का कोई भी एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर आपके लिए ये उपलब्ध है। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, देखते रहिए दूरदर्शन।
हाँ।